तो जब हम लोग वैसा हो गया तो हम लोग को मस्जिद से निकाल दिया गया था आज से 2 महीना पहले। उन लोग का कहना था कि ये लोग अहले हदीस हो गया और ये देवबंदी मस्जिद अहले हदीस को घुसने नहीं देंगे। जुमा के दिन हम लोग यहाँ से 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाते थे जुमा का अच्छा नमाज पढ़ने के लिए। तो पहले अली भाई का एक आप ही का चैनल में वीडियो आया कि कुछ भी हो जाए मस्जिद नहीं छोड़ना है। आदिल भाई, नमाज मस्जिद में ही पढ़नी है आपने, कोई और मस्जिद देख लें अगर इन्होंने निकाल दिया है, मस्जिद नहीं छोड़नी बिल्कुल। वो लोग इससे भी ज्यादा मतलब खतरनाक है यहाँ पे, मतलब तो आप खोल दो ना पुलिस हमारे। पुलिस में रिपोर्ट करें ना इनके बारे में, पुलिस में रिपोर्ट जी करें, जी वहां हमने जाके नमाज पढ़नी है, सिंपल ये बात है। जी उन्हें क्या, हम तो उनसे कोई इख्तलाफ कर ही नहीं, हम तो अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, जी उनकी जुबान में समझाएं। क्या मंदिर में किसी को आने से रोका जा सकता है? क्या हिंदू जी रोकेगा किसी मतलब मुसलमान मंदिर में जाने से? ठीक है, पल्ला झाड़ दिया ना, तो आप डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन दें, पुलिस को छोड़ दें आप। जी आदिल हसनैन भैया जी, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आदिल हसनैन, एक मिनट अपना माइक तो अनम्यूट करें। जी जी अनम्यूट है। जी आदिल भाई, पहले आ चुके हैं आप? नहीं, पहली बार आया हूँ। अच्छा आदिल भाई, कहाँ से हैं आप? मैं इंडिया से हूँ, झारखंड। अच्छा, माशाल्लाह। आपकी क्या उम्र है और क्या करते हैं? मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, अभी 12th में हूँ। अच्छा, तो फिरका पहले कौन सा था आपका? फिरका पहले मेरा था देवबंदी। अच्छा, तो फिर अली भाई का हाँ, कैसे तारुफ हुआ आपको? अली भाई का तारुफ हुआ था 2 साल पहले, बयान सुने थे, नेगेटिव तारुफ ही हुआ था अच्छा, उस वक्त, जब जब मुफ्ती तारिक मसूद आए हुए थे झेलम, भगौड़ा भगौड़ा बोल रहे थे, उसी टाइम तारुफ हुआ था उनका, उनके बाद, अच्छा उसके बाद सही। तो बयान उसके सुनना बाद फिर स्टार्ट किए। तो कौन सी वीडियो देखी फिर अली भाई की, जिससे आप ने अंदाजा लगाया कि यार ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं? हाँ, उसके बाद वीडियो देखे हम लोग, उसी का वीडियो देखे, उसका रिप्लाई में जो बयान आया था अली भाई का, उसके अच्छा बाद सही। उसको देखने के बाद फिर धीरे धीरे सारा चीज सुनने लगे, जानने लगे, फिर कुरान और हदीस भी हम लोग घर में लाए, पढ़े। माशाल्लाह, उसके बाद हम लोग जो है, फिर हम लोग तबलीग भी स्टार्ट किए अपना, सही, तो उसको माशाल्लाह। करने के बाद हम लोग लगभग 12-13 लड़का हो गए थे। तो अच्छा माशाल्लाह, जब हम लोग वैसा हो गया तो हम लोग को मस्जिद से निकाल दिया गया था आज से 2 महीना पहले, खेल अच्छा तो आपने कुछ कहा के, नहीं घर वालों को, नहीं जी खेल बताया? के धक्का मुक्की करके हम लोग को निकाल दिया गया। तो उसके बाद हम लोग मस्जिद जाना छोड़ दिए। देवबंदी ने निकाला आपको? उन लोग का कहना था कि ये लोग अहले हदीस हो गया और ये देवबंदी मस्जिद अहले हदीस को घुसने नहीं देंगे। अच्छा, ओ नहीं तो वो तो सुने मस्जिद भी धोते हैं, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था हम लोग के यहाँ, लेकिन हम लोग को निकाल दिया गया था। तो ये थोड़ा कि आपको निकाल दिया गया यार। देखे ना, ये तो इनका, वैसे कहते हैं कि रफीदन करें ना करें, कर लें तो सवाब है, ना करें तो गुनाह नहीं। आप देख लें कोई। तो अभी आप क्या करते हैं, फिर कहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं अभी आप? तो उसके बाद हम लोग 2 महीना जो है, हम लोग घर में ही नमाज पढ़े इधर उधर, कभी जमात बना लेते थे, कभी कुछ और कर लेते थे, और जुमा के दिन हम लोग यहाँ से 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाते थे जुमा का अच्छा, नमाज तो पढ़ने के लिए। अभी क्या तो उसके करते बाद हैं तो अभी? बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग आज से 1 हफ्ता पहले अली भाई का एक आप ही का चैनल में वीडियो आया कि कुछ भी हो जाए मस्जिद नहीं छोड़ना है, आप ही के सही चैनल में, साईद एंड बिलाल ऑफिशियल के जी, चैनल में आया था एक वीडियो, कि एक ये इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर स्टूडेंट्स, अली अली भाई स्टूडेंट्स टाइटल था। तो उसको देखे हम लोग, तो हम लोग को रियलाइज हुआ कि मस्जिद हम लोग को नहीं छोड़ना चाहिए था, हम लोग फिर जाने का कोशिश करेंगे, जगह बनाने का कोशिश करेंगे। तो जब हम लोग फिर से सही। जाना स्टार्ट किए, जब जाना स्टार्ट किए, तो फिर वो लोग कुछ वैसा माहौल बनाए, अच्छा जब फिर जब बात होने लगा निकालने उकालने का, तो हम लोग जो है उसके बाद फिर हम लोग जाना बंद कर दिए। अच्छा फिर बंद कर दिया बोल रहे। हाँ, फिर वो लोग फिर से बोलने लगे ऐसा वैसा है, मारेंगे पीटेंगे, अपना मस्जिद बना लो। और वो लोग बोल रहा है कि अपना मस्जिद बना लो। तो अभी हम अच्छा, लोग 5-6 लड़का बचे हुए हैं, सब हम लोग अभी बैठे हुए हैं साथ में ही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? इनसे भी बात करते हैं, आपसे कर लेना इंशाल्लाह, आपके बाद इनसे करते हैं, ठीक है? पहले आपसे करेंगे आदिल भाई, पहले आपसे फिर इन भाई से करेंगे। अच्छा, तो अभी आप फिर अभी अपने घर में ही करवाते हैं जमात, सारे दोस्त मिलके घर में? जमात अभी वैसा हम लोग का घर वैसा मतलब कंजेस्टेड जगह है थोड़ा, तो वैसा घर अच्छा फैला हुआ है नहीं, और लड़का लोग भी सब इधर उधर काम काज में निकलते हैं बाहर, तो सब अपना अपना घर ही में पढ़ लेते हैं, कोई काम में है तो काम ही में पढ़ ले रहे हैं, हम स्टूडेंट है तो हम घर में ही पढ़ लेते हैं। नहीं तो वो वाला तो तरीका ठीक नहीं कि वो जब जमात खड़ी हो तो उस वक्त आप उनके साथ खड़े हैं और जो ही सलाम फेरें आप निकल जाएं, फिर भी काम नहीं जी, हम चलता। लोग जी 2 महीने के बाद जो हम लोग आज से 1 हफ्ता पहले जाना स्टार्ट किए, तो इसी तरीका को अपनाएं कि बस जमात के टाइम पूरा जाना नमाज है के टाइम और जाना। नमाज सलाम के बाद तुरंत उठ के चल जाना है। तो अच्छा लेकिन उन लोग का कहना यह है कि तुम लोग आ रहा है तो इमाम का इब्तिदा तुम लोग नहीं कर रहा, तुम लोग पढ़ रहा सही लेकिन इमाम का इब्तिदा नहीं हो रहा, तो इमाम का जब अच्छा इब्तिदा नहीं हो रहा तो मेरा इमाम से ज्यादा क्यों पढ़ लिया, मेरा इमाम जैसे पढ़ेगा वैसे ही पढ़ेगा तो ही पढ़ने देंगे, नहीं तो नहीं पढ़ने देंगे।
ये देखेंगे कैसे जालिम लोग हैं, अल्लाह हदायत दे इनको। तो अभी फिर आप घरों में भी नमाज पढ़ रहे हैं, चलो जी अल्लाह ताला आपको भी साबित कदम रखे, इनको भी हदायत अल्लाह ताला दे। ज़ाहिर है फिर जब हक होता है तो उसके लिए मुश्किल तो आती है ना, ये तो चीज़ें फिर जिंदगी में है ना। हर एक ज़ाहिर हर एक, वैसे तो यहाँ पे हमारे तो इधर ऐसा माहौल नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी आप पढ़ें किसी ने आपको कुछ नहीं कहना। ज़ाहिर इंडियन मैंने देखा है कि वहाँ पे कुछ ऐसा माहौल है, ज्यादा माहौल है पाकिस्तान से, ज्यादा इस तरह का माहौल है जी। तभी फिर आप घर वालों को भी दावत नहीं दे रहे, घर वाले जो आप वालदैन जी, वालिदैन लोग भी है साथ में, लेकिन उन लोग भी थोड़ा मतलब थोड़ा पुराने सोच के हैं, तो वैसा खुल के वो लोग भी नहीं आ रहे हैं अच्छा अच्छा सही। जी। अभी हम सब नौजवान ही है, सब जितने लोग लड़के हैं हम लोग तो फिर दावत का काम कैसे करते हैं फिर आप जी? दावत का काम ऐसे करते हैं कि पहले हम लोग दो लड़के थे, अच्छा उसके बाद फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए, कुरान पढ़ना स्टार्ट किए, फिर हम लोग हदीस भी खरीदे, बुखारी मुस्लिम दोनों हम लोग घर में हैं। फिर धीरे धीरे तालीम स्टार्ट किए, सबको बताना स्टार्ट किए, लड़के लोग को, दोस्त लोग को, उन लोग को बताएं पढ़ाएं, तो फिर वैसा वैसा हुआ। तो फिर जब तादाद बढ़ा, उन लोग को प्रॉब्लम, जब दो लड़के थे तो उन लोग को प्रॉब्लम नहीं था, जब हम लोग दो लड़के थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब उन लोग देखा कि ये लोग दो से चार, चार से आठ, आठ से बारह, बारह से बीस हो रहा, तो उन लोग को खटका कि ये लोग तो एकदम यहाँ पे मतलब पलटने के चक्कर में, यहाँ का माहौल पलट देगा ये लोग। दो से आप एक से बीस हो जाएंगे तो उनके वो तो फिर उनकी सोच दूर गई ना, वो तो सोचेंगे कि ये तो बड़ी दूर तक जाएगी, इसलिए वो उन्होंने यही काम किया कि आपको मस्जिद से निकाल दिया जी। अब ये अड़ चुके हैं, ये तो आप बड़ों को नहीं बताते, कोई ऐसा बंदा जिसे आप समझते हैं कि इनकी बात सुनी जाएगी तो उसको बताएं, कोई ऐसा कोई बंदा नहीं है? कहना है कि बस मस्जिद बनाओ तुम लोग, अगर तुम लोग ज्यादा थी हो रहा तुम लोग अपना मस्जिद बनाओ। अच्छा चलो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, सही कि करवाएं बात। आप अली भाई से बात करना चाहते हैं लाइव? जी जी अली भाई से तो बात करना चाहते हैं हम लोग। अच्छा चलो आप जुमे रात के दिन ना इसका आप स्क्रीनशॉट लो, मैं यहां पे आपका नंबर डिस्प्ले करवा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसी स्क्रीनशॉट को जो लिया आपने इसी नंबर पर आपने सेंड कर देना, जो नंबर स्क्रीनशॉट के ऊपर लिखा हुआ। जुमे रात के दिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी टाइम पे 9 बजे इंडियन टाइम 9:30 पर हमारा ये सेशन स्टार्ट होगा और उसको आपने ज्वाइन करना है। आज आपको लिंक मिला है चैट बॉक्स में या पिन किया हुआ, जुमेरात का लिंक आपको मिलेगा आपके नंबर पर, जिस नंबर से हमें स्क्रीनशॉट आएगी। हाँ आप लीव स्ट्रीम करेंगे ना, अभी स्ट्रीम लीव करेंगे तो बेशक कल आपने यही स्क्रीनशॉट उसी नंबर पर व्हाट्सएप भेज देना, फिर इंशाल्लाह आपको लिंक दे दिया जाएगा। और आपने शिया इख्तलाफ पे बनू या से रिलेटेड कोई सवाल अली भाई से नहीं करना, ठीक है जी जी। हाँ तो करवाएं अपने साथ वाले भाई से, इनकी भी बात आपने करवानी जुमेरात के दिन। जी जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका भाई? इमरान नाम हुआ मेरा। अच्छा माशाल्लाह, आपकी उम्र क्या है और क्या करते हैं आप? मेरी उम्र 22 साल। नहीं स्टूडेंट नहीं, अभी काम कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ दिया मैंने। अच्छा अच्छा, ये आपके दोस्त हैं? जी पड़ोसी है, पड़ोसी बगल में, घर के बगल में। अच्छा अच्छा, आपको तारुफ कैसे हुआ था अली भाई का? मेरे को भी मतलब नेगेटिव ही तारुफ हुआ था उनसे उस समय। अच्छा देवबंदी थे आप पहले, तो आप भी देवबंदी थे? जी हम लोग हां तबलीगी जमात से, मैं तबलीगी जमात से था। अच्छा अच्छा, तो तारुफ कैसे हुआ था अली भाई? मेरा वैसे मतलब कि मैंने कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ा, फिर उसके बाद देखा वीडियो आने लगा अली भाई का, तो देखना चालू किया, तो कुरान और हदीस से उनका मेरा बयान मिल रहा था, तो देखते देखते थोड़ा दिल खुश हो गया उनसे। अच्छा माशाल्लाह सही। तो अभी आप इनके साथ नमाज की वजह से मिलते हैं आपस में, कोई नमाज पढ़नी हो या वैसे इनके साथ दोस्ती है, दावत के हवाले से बैठते हैं गपशप करते हैं? दावत के हवाले से बैठते हैं एक जगह बैठ करके गपशप भी करते हैं, तालीम भी करते हैं, कुरान वरान भी रखा हुआ हम लोग के बगल में, हदीस भी रखा हुआ है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, तो फिर ऐसे लोग भी बैठे अच्छा, उनको पता ज़रा आप तालीम माशाल्लाह करते हैं तो उनको पता तो चला होगा कि आप तालीम का भी काम, यहाँ तालीम करते हैं, तो फिर आपको वो आते नहीं आपके पास कि ये आपने क्या काम शुरू कर दिया मस्जिद से, तो उन्होंने आपको निकाल दिया? तो नहीं ऐसा ऐसा नहीं करते, सिर्फ मस्जिद से उन लोगों का इख्तलाफ है, बाकी यहाँ घर में हम लोग कुछ करे उससे कोई मतलब नहीं। लोग भी कह रहे हैं अपना बगल में मस्जिद तुम लोग बना लो, जो करना है करो, उसे मेरे मस्जिद में मत आओ। अच्छा अच्छा मस्जिद में मत आओ, यार ये देखेंगे कैसे लोग हैं। अच्छा आपने भी इमरान भाई इंशाल्लाह जो मैं रात के दिन आपने भी अली भाई से बात करनी है, आप दो ही भाई इधर या कोई और भी है, तीसरा भाई भी है? तीसरा नहीं चौथा भाई भी यहाँ। करवाए साहब से बात करवाए ना, इनकी बात करवाएंगे ना अली भाई से, आप सबकी बात करवाएंगे यार माशाल्लाह, आप इतना काम बारी बारी करवाते हैं बात में। बात करिए वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? अल्लाह का शुक्र है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सागिर।
मोहम्मद सगीर भाई माशाल्लाह, आपकी उम्र क्या और आप क्या करते हैं? मोबाइल पकड़ लें इनसे, क्या करते हैं? तिजारत करते हैं, तिजारत माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, तो अभी आप दावत के हवाले से इकट्ठे हुए हैं फिर यहाँ पे सारे भाई? दावत के हवाले से और जो हुआ है अंदर मस्जिद में, जो हुआ उसमें उसके मसले में बैठे हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह, तो चलो वो तो ज़ारा जिंदगी में चलता रहता है। तो आपको कैसे तारफ हुआ था अली भाई का और कब की बात है ये? ये इमरान बताया था, इमरान पहले देखा, उसके बाद हम लोग को जोड़ा बताया गया। अच्छा माशाल्लाह, ये पहले भी आपके दोस्त थे? जी सर, हम लोग ऐसे ही होते हैं, सच्चा दोस्त ऐसे ही होता है। वो आपकी आखिरत की भी फिक्र करता है। सही, जबरदस्त। तो अभी आप सारे इधर ही नमाज पढ़ते हैं, रफीदैन से पढ़ते हैं अपनी अपनी मस्जिद में, तो आपका दाखला बंद है? जी जी, घर पे हम लोग पढ़ रहे हैं अपना अपना घर पे। अच्छा, तो आपने अली भाई की कौन सी पहली वीडियो देखी थी? वीडियो तो बहुत कम देखे, वो हदीस जो है ना, हदीस पढ़े हम, सुने, और उससे हम रफीदैन कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त। तो आपके अलावा कौन बैठा है? आप अपने घर में भी दावा दे रहे हैं कि नहीं? हाँ, घर पे भी दे रहे हैं, पर अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है घर वाले को समझने में। कोई मसला नहीं, आप दावत का काम बस आहिस्ता आहिस्ता जारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा। तो आपका, आपके साथ चौथा भाई भी है, उसे भी चलो बात करते हैं। आपने जो रात के चारों भाइयों ने बात करनी है, ठीक है अली भाई से? जी, नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ आदिल हसनैन भाई है जी। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, अपना कैमरा ऑन करें, माइक भी अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी आदिल भाई, कहाँ से आप? जी इंडिया से हूँ अली भाई। जी जी आदिल भाई, नमाज मस्जिद में ही पढ़नी है आपने, कोई और मस्जिद देख लें अगर इन्होंने निकाल दिया है, मस्जिद नहीं छोड़नी बिल्कुल। जी इसी की लड़ाई चल रही है अभी। हाँ नहीं, लड़ाई ना करें, आप दूसरी मस्जिद में चले जाएं। दूसरी मस्जिद बगल में बरेली मस्जिद है बगल में, तो क्या हुआ? तो इससे भी उससे ये तो वो लोग इससे भी ज्यादा मतलब खतरनाक है यहाँ पे। तो आप पुलिस में रिपोर्ट करें ना इनके बारे में, पुलिस में रिपोर्ट। जी जी, मैंने हम लोग गए थे रिपोर्ट लिखाने के लिए, फिर तो उसी का फैसला आया है, मतलब कि पुलिस तो पुलिस यहाँ की मतलब गैर गैर मुसलमान है ना, तो बहुत अच्छी बात है, नॉन मुस्लिम तो कम से कम उसका फिरका तो नहीं होगा ना। जी तो उसने कहा कि आप लोग दोनों बीच में आलिम आलिम बैठ के बात कर लें, आप लोग अभी छोटे हैं। और उन्हें के बात तो हमने करनी नहीं है ना, हम तो बात करने के लिए बैठ ही नहीं रहे, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि मस्जिद जो है ना वो मुसलमानों के लिए कॉमन प्लेस है और वहां हमने जाके नमाज पढ़नी है, सिंपल ये बात है। उन्हें के हम तो उनसे कोई इख्तलाफ कर ही नहीं, हम तो अपनी नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये मस्जिद तो पब्लिक गैदरिंग की जगह ना, पब्लिक गैदरिंग, उनको उनकी जुबान में समझाएं, क्या मंदिर में किसी को आने से रोका जा सकता है? क्या हिंदू रोकेगा किसी मुसलमान को मंदिर में जाने से? वो लोग मतलब ऐसा सा एक्सक्यूज दिए ना, मतलब कि जो वो लोग बोल रहे हैं ना कि हम लोग में जो होता है कि अलग अलग मस्जिदें होती है, जैसे कि हमारे मतलब हमारे इलाके में बोले एक ही इलाके में चार मस्जिद है चारों फिरके के, मतलब वो लोग ऐसा मतलब उन लोग को रिप्रेजेंट किया जाके थाने में, मतलब पुलिस। ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें बताएं कि जो हमारा किबला है, जो खाना काबा है, वहां सारे लोग जाके नमाज पढ़ते हैं, वो तो वहां पे तो अहले हदीस की हुकूमत है, लेकिन सारे लोग जाके नमाज पढ़ते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है जी, बेशक हम लोगों ने मतलब यही इसी बात को रखा, लेकिन वो लोग मतलब फिर लास्ट में एंड रिजल्ट ये हुआ ना कि मतलब जो पुलिस स्टेशन वाले थे जो ऑफिसर, वो बोल रहे हैं कि ये तो हम लोगों समझ के बाहर है, हम लोगों ने किताब भी लेके गया था, उन लोगों ने कहा कि लोग मोबाइल से देख के पागल हो रहा, तो हम लोगों ने दिखाया किताब की सारी किताबें, ये सब हदीस की किताबें हैं, ये सब अहले सुन्नत की मतलब पिलर्स है। नहीं, वो इस चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं है ना उनके साथ, ये बात तो नहीं करनी ना उनके साथ, बात ये करनी है कि मस्जिद मुसलमानों में कॉमन पब्लिक की जगह होती है, जैसे अब दरगाह है अजमेर या और दरगाह, क्या वहां ये फर्क करते हैं कि वहां भी नहीं आ सकता? जी हाँ, तो उन्हें बताएं इस तरह मस्जिद में क्या मंदिर में कोई फर्क करता है कि जी मंदिर में मुसलमान या सिख या क्रिश्चियन नहीं आ सकते? कोई भी नहीं करता, गुरुद्वारा पाकिस्तान में बना हुआ है, सारे लोग वहां जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह उनको बताएं मस्जिद में भी ये फर्क कोई नहीं होता। ठीक हो गया, चले आप अपना क्वेश्चन करें। तो क्वेश्चन ये है ना कि मतलब हम लोगों ने मतलब वहां पे जब बात हुई जब,
तो बस एंड रिजल्ट यही निकला ना, वो लोग मतलब जो पुलिस वाले थे जो, उसने कहा कि आप लोग, ये लोग आप लोग का आपसी मसला है, तो ये लोग आप लोग बैठ के हल कर लें, बस ठीक है, बाकी आपसी एक बार मसला है तो जी, आपसी मसला है तो उन्हें बता दें कि हम तो जाएंगे, और अगर इन्होंने हमें जी निकाला तो हमने तो आपको पहले ही बता दिया, हमने तो जाना है, चूंकि वो पब्लिक प्लेस है, जी पब्लिक प्लेस पे कोई भी जा सकता है, वहां ये नहीं लिखा हुआ कि कोई और नमाज नहीं पढ़ सकता, जी मसाजिद में ये तो लिखा होता है कि ये मस्जिद बरेलवियों की है, बरेलवियों के अलावा कोई इमामत नहीं कर सकता, लेकिन ये नहीं लिखा जी होता कि यहाँ बरेलवियों के अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, ये तो कहीं नहीं लिखा जी होता। हाँ, तो उन्हें बताएं कि हमने आपको इसलिए पहले इन्फॉर्म किया है कि कल को कोई अगर इस तरह का मसला होता है तो आपके इल्म में हो कि जिस तरह मंदिर, गिरजा और जी दरगाहें और मस्जिदें, ये सब के सब जो है वो ओपन जगह होती हैं, पब्लिक प्लेस है ये, ठीक है, सूरह हज की आयत जी नंबर 40 में यही आया है, तो ये सब के सब जगह जो है वो ओपन प्लेसेस हैं, वहां पे आप किसी को आने से रोक नहीं सकते, ठीक है। तो उन्हें जी कहें कि हम अपना एफिडेविट जमा करवा देते हैं कि हम कोई ऐसा मामला नहीं करेंगे, लेकिन आपने हमें सिक्योरिटी देनी है, ठीक हो गया। जी चले, मेरे ख्याल हम आपका लोगों यही से सवाल था। जी, एक और सवाल था। हाँ जी, दूसरा कर लें। हम लोगों से एक बॉन्ड साइन कराया गया था, लिखित लिया गया था हम लोगों से, कि मतलब क्या ये लोग, हम लोग इनके खिलाफ, मतलब हम लोग इनके खिलाफ मतलब एक एप्लीकेशन लेके गए हैं पुलिस स्टेशन में। तो हम लोग से मतलब बताया, बुलवाया गया, हम लोग से लिखवाया गया कि एक हम लोग आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे और कोई किस्म का लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये चीज वहां पे था, पुलिस स्टेशन वाले ने हम लोग को समझा के भेजा। अब यहाँ के जो कमेटी नहीं, तो मेंबर्स आपस है में आप लोग कैसे बैठेंगे, पुलिस वालों की मौजूदगी में बैठेंगे आप? जी, मतलब नहीं, उन लोग का जो कमेटी, जो मेंबर्स है, जो दो यहाँ के जो मस्जिद के, नहीं, देवबंदी मस्जिद के, पुलिस भी बैठेगी बीच में। उसने कहा, मतलब उन लोग ने अपना पल्ला झाड़ दिया, पुलिस स्टेशन नहीं, तो वाले फिर लोग तो सारे पल्ला झाड़ दिए। ठीक है, हाँ ठीक है, पल्ला झाड़ दिया ना, तो आप डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन दें, पुलिस को छोड़ दें आप, जो वहां का डिप्टी कमिश्नर है ना आपका, जो सिविलियन नुमाइंदा होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, एक तो पुलिस का ना, एक ओवरऑल जो रियाया को देख रहा होता है, उसको आप एप्लीकेशन दें। हाँ, आपने कभी नहीं बैठना इनके साथ बगैर इन लोगों की गैर मौजूदगी में, ये तो आपके साथ मारपीट वाला मामला भी करेंगे। नहीं, इसी चीज का बॉन्ड वो लोग से भी सिग्नेचर लिया गया, इस चीज का मतलब दोनों तरफ से एक बॉन्ड बनाया गया कि वो ये बॉन्ड दोनों किसने आपस में देखना है, विवाद, जब मारपीट देगा तो बॉन्ड किसने देखना है, आपने खुद से नहीं उन बैठना लोग। भाई, खुद से नहीं बैठना, ठीक है, अच्छा जब भी जी, बैठना है तो इनकी मौजूदगी में बैठना है, पुलिस की या इंतजामिया की, खुद से नहीं बैठना, ये बेवकूफी नहीं करनी आप लोगों ने यार, ठीक हो गया। जी, और उसमें को एक मुनाजरा सवाल। नहीं करना, मुनाजरा नहीं करना, उनको कहना है कि पब्लिक प्लेस है, जिस तरह मंदिर में, गुरुद्वारे में, कलीसा में, गिरजे में, दरगाह में कोई भी जा सकता है, इस तरह ये मस्जिद पब्लिक प्लेस है, तो यहाँ कोई भी आके नमाज पढ़ सकता है, और ये वो कभी नहीं लिख के देंगे कि यहाँ ये पब्लिक प्लेस नहीं है, जी ये जहन में रखिएगा, हम ये लोग, उनकी हम लोगों मजबूरी पे एक और ब्लेम लगाया गया ना, ये लोग अहले हदीस है, ये लोग अहले हदीस है, अहले हदीस की यार, अलग वो मस्जिद ना होती है। बात है, तो थोड़े यार, मैं तो इससे आगे की बात कर रहा हूं कि भाई जी गुरुद्वारे में क्या अहले हदीस मुसलमान काफिर नहीं जा सकता, पब्लिक प्लेस है ना, नहीं तो अहले समझ हदीस हो तो क्या रहे, हो फर्क पड़ता है, कोई अहले ये हदीस हो बात ये बात ये मैं बात वो लोग कर नहीं समझ रहे रही हैं, ये नहीं, बात चले मैंने वो लोग तो नहीं आपको समझ बता रहे। दिया, चले ठीक है, ठीक हो गया, मान ला। जी, एक और सवाल था, जो तिर्मिजी की 257 जो हदीस है, जी अब्दुल्ला बिन मसूद वाली, ये लोग वो हदीस भी पेश करते हैं, तो जी इनका वो तर्क मैंने क्या है? 70B मसला में डिस्कस किया हुआ है, वो आप देख लें तफसील के साथ, 70B मसला, जी ठीक हो गया, जी फी मान जी ला। चलो ठीक है, फी मान।